हाय गाइस, आज हम लोग आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो है हम लोग का होम टाउन डिब्रूगढ़ का एक बड़ा हॉस्पिटल, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। और अभी हम लोग उस हॉस्पिटल के भीतर में है, एक चाय बागान है वहाँ में है। और ये हॉस्पिटल का नाम है आसाम मेडिकल कॉलेज और ये डिब्रूगढ़ का सबसे पुराना हॉस्पिटल यही है और ब्रिटिश ज़माने से है ये हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अभी। तो आज हम ये हॉस्पिटल के बारे में दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या फैसिलिटी मिलता है हमें। एक तो ये हमें हर तरह का फैसिलिटी है, फिर भी थोड़ा इधर उधर का प्रॉब्लम, थोड़ा सारा प्रॉब्लम है, वो भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग मेडिकल का शेयर करता है आसाम मेडिकल कॉलेज। जो याय अखम, भगवान को हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे, यही मेरा शुभकामना है। और कभी भी मेडिकल आने का ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको कभी मेडिकल में आने का नौबत आ जाए तब आसाम मेडिकल कॉलेज में एक बार विजिट करिएगा ज़रूर। ये है पल्टन बाज़ार और इस रास्ते से ही आपको मेडिकल जाना पड़ेगा। और जाते वक्त यहाँ में बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको। डिब्रूगढ़ आने के लिए कोई सीज़न का इशू नहीं है, आप हर सीज़न में यहाँ आ सकते हैं और बस फ्लाइट ट्रेन सब अवेलेबल है। ये है राधा किशन जी का मंदिर जो मेडिकल का पास ही है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। ये है आसाम मेडिकल कॉलेज का मेन एंट्रेंस जो कि बहुत ही गुड लुकिंग है और कार, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एनी टाइम हमें अवेलेबल है आपको। एंटर करते ही दो रोड मिलेगा, एक स्ट्रेट जाएगा और आपका ये राइट हैंड साइड में जाएगा। और ऐसा इंस्ट्रक्शन बोर्ड आपको हर जगह मिल जाएगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले ही मिलेगा आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो कि 24/7 खुला रहता है और यहाँ पे हर कैजुअलिटी का ट्रीटमेंट होता है। ये है मेडिकल का गाइड मैप, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इमरजेंसी बिल्डिंग का पीछे और राइट हैंड साइड का गली में एंटर करते ही आपको ओपीडी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री टिकट काट सकते हैं जो कि बहुत ही कम रेंज का है। टिकट काटते समय आपको आपका प्रॉब्लम बताना होगा और उसी हिसाब से आपको आउटडोर डॉक्टर के पास भेजेगा और यहाँ में आपको हर बीमारी का डॉक्टर है और सिर्फ संडे को यहाँ खाली बंद रहता है। आउटडोर से निकलते ही आपको दो रास्ता मिलेगा, एक स्ट्रेट जाएगा और एक लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में एंटर करते ही आपको एक फार्मेसी मिल जाएगा, अमृत फार्मेसी, जहाँ आपको बहुत कम रेंज में मेडिसिन मिल जाएगा। यहाँ ATM का फैसिलिटी भी है। अमृत फार्मेसी का ठीक अपोजिट दिशा में आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग मिल जाएगा, यह है सुपरिंटेंडेंट का ऑफिस। यहाँ पे प्रिंसिपल सर के साथ आप अगर आपका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया ट्रीटमेंट करने में तो आप सर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ये है सुपरिंटेंडेंट सर का ऑफिस का एंट्रेंस गेट। ये है सर जॉन बेरी व्हाइट जी का प्रतिमूर्ति जो कि इस मेडिकल का फाउंडर है और इन्हीं का डोनेशन से ये मेडिकल बना था, जिनका नाम था पहले बेरी व्हाइट मेडिकल स्कूल जो अभी आसाम मेडिकल कॉलेज नाम हुआ है। ये है आसाम मेडिकल का कॉलेज जहाँ मेडिकल स्टूडेंट का थियोरी क्लास होता है। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के गली में फिर आ गए और ये है लेबोरेटरी जहाँ पे आपको ब्लड, यूरिन, स्टूल ये सब का सैंपल कलेक्शन लिया जाता है। मेडिकल में ये नया नया बिल्डिंग बनी रहा है और ये कुछ ही साल में मेडिकल बहुत डेवलप कर लिया है, पहले का जैसा मेडिकल नहीं है, अभी बहुत उन्नत कर लिया मेडिकल।
तो ये बिल्डिंग है सर्जरी बिल्डिंग, और यहाँ पे हर तरह की नॉर्मल सर्जरी और क्रिटिकल सर्जरी भी होते हैं, और यहाँ पे एक से बढ़कर एक सर्जन आपको मिल जाएगा और आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए साथ में और एक बिल्डिंग बन रहा है, ये कुछ ही दिन में ओपन हो जाएगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है क्या बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में आपको ये है आपका बेसिक साइंस बिल्डिंग जो आपको पहले दिखाया था, जो जहाँ सैंपल कलेक्शन होता है यूरिन स्टूल ये सब का, उसका टेस्टिंग यहाँ पे होता है और बहुत ही उन्नत टेस्टिंग होता है। यहाँ पे लेबोरेटरी का अपोजिट में आपको ये बिल्डिंग मिल जाएगा, ENT बिल्डिंग, यहाँ पे आपका ENT रिलेटेड हर प्रॉब्लम का डॉक्टर मिल जाएगा, और यहाँ पे सर्जरी भी होता है और सर्जन भी मिल जाएगा, अवेलेबल है और बहुत अच्छा अच्छा सर्जन मिल जाएगा। और हर दिन दोपहर 3 बजे के बाद आपको इसी सैंपल कलेक्शन ऑफिस में आप जो सैंपल दिए हैं उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे फिर OPD के रास्ते पे, और यहाँ से स्टेट जाएंगे, पहले मिलेगा आपको डेंटल मेडिकल और फिर TB वार्ड और फिर आपको मिलेगा कैंसर हॉस्पिटल जो हाल ही में बनाया हुआ है। ये है डेंटल मेडिकल, और यहाँ पे डेंटल रिलेटेड हर ट्रीटमेंट होता है। डेंटल वार्ड का साथ में ये आपका TB वार्ड है, यहाँ में आपका TB रिलेटेड हर बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, और यहाँ में फुल बेड भी है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की तरफ। ये अभी हम लोग आगे कैंसर हॉस्पिटल की तरफ, और बहुत ही गुड लुकिंग हॉस्पिटल है दिखने में, और यहाँ में आने से आपको एक अलग सी फील महसूस होगा। डॉक्टर कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उनके ट्रीटमेंट से किसी पेशेंट का डेथ हो जाए, वो तो टाइमिंग और मेडिकल इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम है। ये एक नाम घर या पूजा घर भी कह सकते हैं आप, ये एक ओपन जिम है जहाँ डॉक्टर लोग यहाँ पे जिम करते हैं, और इसी का बगल में है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जहाँ मानसिक रोगी से जुड़ा हुआ हर समस्या का समाधान होते हैं। यहाँ पे अच्छा अच्छा डॉक्टर भी रहता है, और आपका कोई भी मानसिक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे से आगे लेबोरेटरी की तरफ, और रास्ते पे आपको मिल जाएगा पेडियाट्रिक ICU और पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट बिल्डिंग, जहाँ पे बच्चे का हर तरह की ट्रीटमेंट होता है बीमारियों का। न्यूबॉर्न से 12-13 साल का बच्चे का यहाँ ट्रीटमेंट होता है, और अच्छे से अच्छा स्पेशल डॉक्टर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये है ब्लड बैंक, ये है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत ही अत्याधुनिक हॉस्पिटल है ये, और कुछ विशेष बीमारियों की ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं। इस बिल्डिंग का पास ही आपको मिलेगा डिलीवरी वार्ड, जहाँ पे एक बच्चे का जीवन शुरू होता है। अभी हम लोग पीछे से आगे गेट की तरफ जा रहे हैं, और जाते ही आपको लेफ्ट साइड में गायनी वार्ड मिलेगा, जहाँ गायनी रिलेटेड हर बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। और ये है रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI ये सब बहुत कम प्राइस में आप करवा सकते हैं। प्रिंसिपल सर का बंगलो है ये, और बंगलो इतना सुंदर है कि आप इधर से जाने से
बंगलों की तरफ आपको एक बार होने से भी नजर जाएगा ही। ये है डेंटल कॉलेज, देखिए क्या नज़ारा है, ऐसे लगता है कोई फॉरेन कंट्री में आ गए हम लोग। और ये है आई हॉस्पिटल, और यहाँ पे आपका आँखों से रिलेटेड हर बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है और सर्जरी भी होता है। ये है ENT आउटडोर, यहाँ पे आँख कान नाक ये सब रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ बीमारी होगा, तो आपको पहले यही आना पड़ेगा और यहाँ से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको रेफर कर देगा। ENT आउटडोर का पास ही आपको मिलेगा मेडिसिन कॉम्प्लेक्स। आप जब OPD पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ पे डॉक्टर दिखाएंगे, तब आपको अगर बेड लेना होगा, मेडिकल में भर्ती होना होगा, तो पहले आपको इसी मेडिसिन कॉम्प्लेक्स में आपको भर्ती किया जाएगा और यहाँ में आपको ट्रीटमेंट होगा। यहाँ में हर तरह का सुविधा है, ऑक्सीजन का सुविधा है, हर तरह का सुविधा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह यहाँ पे भी आपको केबिन मिल जाएगा, पेइंग केबिन, और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही आपको फैसिलिटी मिलेगा और डॉक्टर एनी टाइम अवेलेबल मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको केबिन मिलने के लिए कुछ दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये है मेडिकल के पीछे का एक व्यू, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही रिलैक्सेबल जगह है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जगह। चारों तरफ आपको सिर्फ चाय बगान दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी एक बार आ सकते हैं आप किसी पेशेंट के साथ में आए हैं तो इस गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। ये मेडिकल का ही गेस्ट हाउस है, और मेडिकल का बाहर भी ऐसा बहुत गेस्ट हाउस, बहुत होटल है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। मेडिकल डिब्रूगढ़ में रहने का और खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गली गली होटल मिल जाएगा। तो अभी हम लोग गजराज होटल में कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। मेडिकल का जर्नी आज यहाँ पे ख़त्म, और ये तो मेडिकल का एक थोड़ा सा पार्ट ही हम लोग बताया। अगर मेडिकल का पूरा वीडियो करेंगे तो 4-5 वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो में इतना टाइम तो होगा नहीं। तो फिर कभी दूसरे वीडियो पे हम लोग मेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेडिकल में आने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड से बात कर सकते हैं, ये लोग बहुत हेल्पफुल है और आपको पूरा ही हेल्प करेगा। आप झिझक बेझिझक आ सकते हैं। अच्छे लगा आज का हमारा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेजेबल कुछ मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों पे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी को हेल्प हो जाए। और चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मार दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी तरह और वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे। अगर कुछ पूछना है, कुछ इस वीडियो के बारे में जानना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बाय, नमस्ते।